जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिप टॉप में। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, तो सभी लोग आ जाएं लाइव। सामान्य विज्ञान का यह पार्ट 3 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। स्पेशल क्वेश्चन आंसर है आपके लिए सामान्य विज्ञान के, सॉरी सामान्य विज्ञान के यह क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी लोग लाइव आ जाएं, यहाँ पर लाइव आ जाएं सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार, और वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहां तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और वहीं पर आपके लिए PDF उपलब्ध कराई जाती है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको 9098609291 इस नंबर पर आपके लिए मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप में तो आपके पास लिंक पहुंच जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, और वहीं से आपकी लिंक मिल जाएगी किसकी, टेलीग्राम ग्रुप की। तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना ये सेशन। तो चलिए देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि अब आपके लिए बताना है क्यों फट जाती है। जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, या जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है और उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगला विकल्प है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, या जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो आपके पास यहाँ पर चार विकल्प हैं, बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सभी लोग आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका, आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। बिल्कुल सही यहाँ पर बताया है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। तो यानी कि विकल्प नंबर सी जिन्होंने अभी बताया है उनका राइट आंसर होगा यहाँ पर, विकल्प नंबर सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर देखिए क्या है कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस तक बार जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और जल के आयतन में वृद्धि होगी। तो यह आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सा यहाँ पर विस्तृत में पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो चार विकल्प हैं आपके सामने, बताइए क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर। सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पर, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर, बताइए। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों टूट जाएगी यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर दो का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। बिल्कुल सही बताया है यहाँ पर धीरेन्द्र जी ने, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, विकल्प नंबर सी। सभी लोगों ने यहाँ पर बताया है राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। यहाँ पर देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व तो घटेगा और जल के आयतन में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो क्या होगा इसमें परिवर्तन आपके लिए यह बताना है, बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। सभी लोग, सविता जी, पिंकी जी, रोहित जी, नितिन जी, तो आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, या आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, या आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, या पानी जम जाएगा। तो चार विकल्प हैं यहाँ पर आपके सामने, तो बताइए क्वेश्चन नंबर तीन का यहाँ पर राइट आंसर। सभी लोग क्या होगा क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर जो तीन है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा
है विकल्प नंबर क्या है, सी। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, यह आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। सी है आपके यहाँ पर राइट आंसर। देखिए यहाँ पर जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर सबसे अधिक होता है, अतः जल का आयतन सबसे कम होता है, क्योंकि घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए 9 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक के घनत्व बढ़ने के कारण आयतन घटेगा, जबकि 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और जल में आयतन में जो है वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जल के आयतन में इस प्रकार वृद्धि यहाँ पर होगी। अगला क्वेश्चन है क्या है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है, नाव के भार से कम, नाव के भार से ज्यादा, या अगला विकल्प है नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, या नाव के भार के बराबर। तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार 4 विकल्प दिए गए हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर सभी लोग क्या होगा राइट आंसर। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर सी। बिल्कुल सही बताया यहाँ पर विकल्प नंबर सी क्या है, नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। निरान जी आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, या गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो इस प्रकार बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1, गति का पहला नियम आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। इस प्रकार आपके यहाँ पर विकल्प नंबर जो 1 दिया है वह राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही बताया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से जो है सख्त होती है, या जो सड़क है वह बर्फ से सख्त होती है, या जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सभी लोग यहाँ पर बताएं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, बताएं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वह है विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही निरान जी, पिंकी जी यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह क्या है, डी, यानी कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकास जी। तो यहाँ पर आपका डी है, सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है, उसकी सतह खुद खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर से जो है छक्का देकर पृथ्वी को पीछे धकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यह भी आपके लिए याद रखना है, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार ही हम आगे जो है बढ़ते हैं, तो यह भी आपके लिए याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या है कि रूढ़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, तो अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर बताएं
क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का यहां पर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताएं सभी लोग, यहां पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यहां पर क्या होगा। तो बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी जो है कठोर होती है। तो यहाँ पर आपके जो विकल्प दिए हैं वह आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर बी। क्या है विकल्प नंबर बी में, देखिए यहाँ पर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। तो यह आपके लिए याद रखना है विकल्प नंबर बी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताया है। आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। देखिए सड़क पर जो है अभी वो ही है व्याख्या में, आगे बढ़ते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह ढुलकाना आसान होता है क्योंकि, तो क्यों ढुलकाना आसान होता है यह बताना है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो क्या होगा, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, या धड़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, या खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, या उपरोक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प। तो आपका यहाँ पर जो है 4 विकल्प है, तो बताइए अरविंद जी, आरती जी, सुशीला जी, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, बताइए सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर बी, बी होगा, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर बी बताया है। बी है आपका ढुलकन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सभी लोगों ने बी बताया, बहुत सही, बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह ढुलकना आसान होता है क्योंकि ढुलकन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होती है। इस प्रकार आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर, तो अब बताना है यहाँ पर स्तर कैसा रहेगा, पहले जितना होगा या थोड़ा ऊपर आएगा थोड़ा नीचे आएगा या ऊपर नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार का निर्भर करता है। तो आपके लिए यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। 4 विकल्प हैं, तो बताइए विकास जी क्या होगा यहाँ राइट आंसर। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, के द्विवेदी जी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, क्या है, थोड़ा ऊपर आएगा, विकल्प नंबर बी यहाँ पर, बहुत सही सरिता जी, विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, तो यह बताना है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है और जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है आपके सामने, लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, या अगला विकल्प है अपना यहाँ पर क्या है, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा भार पारे से कम, लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम, या पारा पानी से भारी है। तो इस प्रकार आपके 4 विकल्प हैं आपके यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर जो राइट आंसर बताया है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सी बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, कि क्या है, लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम, यह आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। बहुत सारे लोगों ने बताया है सी यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इस प्रकार किसी वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु डूब जाएगी क्योंकि वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो यह भी आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है यह बताना है आपके लिए, कितना होता है? निधि जी बताइए क्या होगा राइट आंसर, श्यामू जी, जसानी जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सभी लोग बताएं, और यह अपनी क्लास जो होती है 4:05 पर रोज होती है, 4:05 पर PM पर, तो यह रोज आना इस क्लास को देखने, यह सामान्य विज्ञान की क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सभी लोग बताएं, क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी यहाँ पर बताया बिल्कुल सही, विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर। यहाँ पर देखिए, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, ह्रास से विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। तो इस प्रकार जो है विस्तृत, थोड़ी सा विस्तृत पढ़ लेते हैं तो आंसर जो है कंफर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि, यह अब बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, कि बर्फ पानी में तैरती है मगर एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों डूब जाती है बताइए। अब इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, या बर्फ पानी के जमने से बनती है, बर्फ ठोस है जबकि द्रव्य है, या बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है। तो यह आपके लिए यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, 4 विकल्प हैं और क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का वह है क्या है, विकल्प नंबर आपका डी होगा यहाँ पर राइट आंसर, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल डी यहाँ पर क्या है, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। तो यह आपके लिए याद रखना है, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, डी आपका राइट आंसर है। देखिए एल्कोहल का बर्फ से कम है तो इसलिए बर्फ पानी में तैरता है और एल्कोहल में डूब जाता है, सारे तैरने वाली वस्तुओं में यही घनत्व के सिद्धांत का उपयोग होता है, एल्कोहल का बर्फ से कम है तो इसलिए बर्फ पानी में तैरता है और एल्कोहल में डूब जाता है। तो यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि बताइए, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, अरुण जी, निधि जी, बबली जी, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पर आपके लिए बताना है, तो सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों तैरती है, पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, या पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, या गोली तैर नहीं सकती। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, बी आपका राइट आंसर होगा, क्या है कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सभी लोगों ने बताया है, सभी का राइट आंसर है, बी होगा यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए स्टील की गोली पारा पर इसलिए तैरती है क्योंकि उसका भार जो है, उसका घनत्व कमरा के तापमान पर लगभग पारा के घनत्व से कम होता है, इस मतलब सघन पारा पर विरल स्टील तैरता है। तो इस प्रकार जो है सघन पारा रहता है उस पर विरल स्टील जो है तैरता है। अगला क्वेश्चन है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बताना है आपके लिए क्या होगा, यह बाल्टी की पैंदी में बैठ जाएगी, या यह पारे की सतह पर तैरेगी, या यह घुल जाएगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका राइट आंसर, सीनू राजपूत जी बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, बहुत कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर लें यहाँ पर।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है क्या है, विकल्प नंबर आपका बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्या होगा? बी, बिल्कुल सही, बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। ए पारे की सतह पर तैरेगी, तैरेगी आपका यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो है पारे की सतह पर तैरेगी। अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस तापमान पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। तो बिल्कुल सही, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि किस तापमान पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या है विकल्प नंबर डी? तो विकल्प नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर यहाँ पर सभी लोगों को बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या रहेगा अपरिवर्तित, तो सभी लोग बताएं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 16 है जो यहां पर, और इसका जो राइट आंसर होगा वह है क्या है, आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, द्रव्य आपका यहां पर राइट आंसर होगा। द्रव्य जो है यहां पर विकल्प नंबर डी वह सही आंसर है। क्या है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित रहेगा, तो द्रव्य सॉरी घनत्व है, घनत्व, घनत्व तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। घनत्व तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका आयतन, भार और द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, परंतु उसके घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का घनत्व नियत रहता है। यह तभी परिवर्तित होता है जब आयतन, द्रव्यमान परिवर्तित हो। तो यह भी आपके लिए याद रखना है, यह कब परिवर्तित होता है, जब आयतन या द्रव्यमान परिवर्तित हो, अर्थात द्रव्यमान और आयतन में परिवर्तन से घनत्व तो परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि तैराक को नदी में, नदी के मुकाबले समुद्र में, समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहां पर सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नहीं, चलो तो आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, या समुद्री तरंगें तैराकों को तैरने में सहायता करती हैं, या समुद्री पानी का घनत्व तो साधारण पानी से ज्यादा होता है, या समुद्र में पानी का आयतन ज्यादा होता है। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है सभी लोगों को। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, बहुत सारे लोग यहाँ पर सी आंसर बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या बता रहे हैं, सी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है, सी है कि समुद्र पानी का घनत्व तो साधारण पानी से ज्यादा होता है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर बिल्कुल सही, उषा सेन जी, आपका राइट आंसर बिल्कुल विकल्प नंबर सी सभी लोगों ने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर देखिए पिलवन के लिए वस्तु का भार वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होना चाहिए, अर्थात वस्तु जितना अधिक द्रव्य भार को विस्थापित करेगी उतना ही आसानी से तैरेंगे। तो इस प्रकार यह आपका यहाँ पर राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है निम्न दाब या निम्न घनत्व, निम्न श्यानता या निम्न तापमान। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और एक विकल्प का चयन करें क्वेश्चन नंबर 18 में इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल में
बादलों के तैरने का कारण है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर, निम्न घनत्व तो आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा बी होगा, बिल्कुल सही यहाँ पर बी जिसने ही बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। यहाँ पर देखिए बादलों के आकाश में तैरने का कारण उनका निम्न घनत्व है, कम घनत्व होने के कारण ही बादलों का भार वायु में कम रहता है और भी तैरते हैं। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि समुद्र में पिलवन कन्नी आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सभी लोग बताएं यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर राइट आंसर। चार विकल्प हैं आपके सामने और यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल शुभम जी, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा राइट आंसर। नरेंद्र जी के आर के वर्मा, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, समुद्र में पिलवन कन्नी आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, 1/10 आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन है बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि, अब आपके लिए यह बताना है क्यों बनाई जाती है मोटी, बांध के जो नीचे की दीवार रहती है वह मोटी क्यों बनाई जाती है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब बढ़ता है, या अगला विकल्प है आपके यहाँ पर कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब घटता है, या गहरे बढ़ने के साथ द्रव्य का घनत्व जो है बढ़ता है, या गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का घनत्व घटता है। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। सुशीला जी, तो क्या क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, सीनू राजपूत जी, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है यहाँ पर और इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का वह है क्या है, विकल्प नंबर एक यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक बिल्कुल सही आंसर है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब बढ़ता है, विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का जो दाब रहता है वह भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, या अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। राजेंद्र जी, शुभम जी बताइए यहाँ पर राइट आंसर। निधि जी, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी में आपका सही आंसर होगा घट जाता है, बी यहाँ पर बहुत सही आंसर है, सभी लोगों ने यहाँ पर बी बताया है, बी आपका सही आंसर है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि, तो अब बताना है क्यों नाचती रहती है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर यहाँ पर बताएं। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, या पानी को श्यानता के कारण। तो चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताएं क्या होगा। नाम जो है बाद में लेंगे सभी के, तो बताइए राइट आंसर यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताना है। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर एक, यानी कि क्या है कि पानी का बैग अधिक होने से दाब घट जाता है, विकल्प नंबर एक यहाँ पर राइट आंसर है, सभी लोगों ने यहाँ पर ए बताया है, ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि, तो आपके लिए बताना है क्यों पिघलता है। तो यहाँ पर चार विकल्प हैं, निचले तल का तापमान अधिक होता है, या निचले तल का
जो है दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, या बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं सभी लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर? चार विकल्प हैं आपके सामने यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी में क्या है? निचले तल का दाब अधिक होने के कारण कारण गलनांक घट जाता है। तो इस प्रकार आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी जो है राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने यहाँ पर बी बताया है, बी सभी का राइट आंसर है। देखिए, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि? तो लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है, यह बताना है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है उपरोक्त सभी कारणों से। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं। चार विकल्प आपके सामने हैं, क्या होगा राइट आंसर? शुभम यादव जी, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का, वह यहाँ पर होगा क्या होगा आपका, यहाँ पर विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा, यानी कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, यह आपका जो है राइट आंसर होगा। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं, यह बताना है यहाँ पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताएं सभी लोग। चार विकल्प हैं, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, अगला विकल्प है यहाँ पर, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर चार विकल्प हैं, तो बताइए क्या है राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर एक, यानी कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक, बर्फ के दो टुकड़ों में आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टिन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, क्यों उड़ जाती हैं, यह आपके लिए बताना है, क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है, या छतों जो छतें रहती हैं छतें कर बंधी नहीं होती हैं, या जो छत रहते हैं ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, या फूस की छतें तेज वायु में स्वतः उड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है राइट आंसर आरती चौधरी जी? बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी, छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, यह आपका राइट आंसर है। सभी लोगों ने यहाँ पर सी बताया, बिल्कुल सही, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर, विकल्प नंबर सी। उषा सेन जी, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, देखिए, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर आपके लिए 27 का राइट आंसर बताना है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर? वह झटकों को अवशोषित कर सके, या फिर पट्टियां सही तरीके से लगने के लिए, या पटरियां समांतर बनी रहें, या रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो इस प्रकार आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर? सभी लोग बताएं, चार विकल्प हैं आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर जो राइट आंसर है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती हैं, जिससे कि आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। इस प्रकार यहाँ पर डी जो है राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन, कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि क्यों निकलने लगता है, ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है, या ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घट जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, या ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो आरती चौधरी जी, राजेंद्र जी, विकास जी, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताएं क्या होगा। यहाँ पर चार विकल्प हैं आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। क्या है विकल्प नंबर डी में, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब जो है घटता है। इस प्रकार आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर डी है राइट आंसर होगा। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो इस प्रकार आपके लिए जो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी होगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों निकल आती है यह बताना है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, या अगला विकल्प है आपको यहाँ पर क्या है, देखिए कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर सभी लोग बताएं क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, दिशानी जी। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है यहाँ पर, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर एक। क्या है कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार आपके लिए यह याद रखना है, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के ताल पर जी मान होगा, तो जी मान क्या होगा यहाँ पर आपके लिए यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, या 2% कम हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताना है। और आखिरी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का, वह है आपका विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, 2% बढ़ जाएगा, यहाँ पर जो है राइट आंसर है विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन लिए थे, 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आज की वीडियो में बस इतना ही। लक्ष्मी जी, बबली जी, माया जी, सरिता जी, आरती चौधरी जी, अरविंद कुमार प्रजापति जी, श्यामू जी, उषा सेन जी, विकास गोयल, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। सरिता जी, गजेंद्र जी, पिंकी, मीना जी, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचे। अरविंद जी, निधि जी, विकास जी, आरती चौधरी जी, अशोक जी, अरुण जी, तो सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लें। लाइक बहुत कम लोग करते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत कम लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें। और इसके बाद आपकी जो क्लास होगी वह रात्रि में 11 बजे इसी चैनल पर, जीके का डोज, तो वह भी क्लास आप देखना ना भूलें। माया जी, नितिन चौहान जी, सभी को जो है शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रवेश जी, दीपाली जी, निधि जी, भारती जी, विजय जी, मुकेश जी, सभी को आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। और जो भी जेल प्रहरी के ग्रुप से नहीं जुड़ा है, 9098609291 इस नंबर पर आपके लिए व्हाट्सएप में मैसेज करना है, तो जेल प्रहरी ग्रुप की लिंक आपके पास पहुंच जाएगी, तो वहां से आप जेल प्रहरी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप
जहाँ पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। अंजलि जी, अरुण जी, सरिता जी, आरती चौधरी जी, लक्ष्मी जी, भारती जी, दिशानी चौधरी जी, तो सभी लोगों के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। और रात्रि में 11 बजे आपकी क्लास लगेगी इसी चैनल पर, जो है जीके की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जीके का डोज लाया जाता है आपके लिए, तो इस क्लास में सभी लोग आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए टिप टॉप यूट्यूब चैनल। जय हिंद।